मेरा नाम है सुभाष और मैं आज के आपके लिए लेके आया हूँ ट्विटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये क्वेश्चन क्योंकि आप जानते हो कि आगामी 30 तारीख को CITS का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ आपके लिए मैं प्रश्न लेके आया हूँ और ये एग्ज़ाम आपके कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा मेजरमेंट से है, एक मील में कितने गज होते हैं? ये सभी आपके दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है। एक मील में होते हैं 1760 गज। अगर हम रेडियन की बात करें, एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, कितने कोण, तो 57.3 डिग्री। एक गज में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 914 मिलीमीटर। ठीक फ्रेंड, एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। एक फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 13.48 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं कि माप लेने की विधियां, माप कितने प्रकार से ली जाती है। जनरली जो माप हम लेते हैं, एक हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट होता है और एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मेजरमेंट में ये होता है जैसे कि हम किसी जॉब को मेजर करते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट देख के लिख सकते हैं, लेकिन जबकि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हमको माप लेने के लिए एक स्टील रूल की आवश्यकता पड़ती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं डिवाइडर। डिवाइडर किस धाइए दोस्तों, आपका पिछले साल का CITS में फिटर प्लेट में आया हुआ क्वेश्चन है। डिवाइडर किस धातु का बना होता है, तो माइल्ड स्टील। बात करते हैं अप्रत्यक्ष कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं। ये जनरली हमारे तीन प्रकार के होते हैं, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। ये सभी लेग, ये जितने भी कैलिपर हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट की कैटेगरी में आते हैं और ये सभी कैलिपर माइल्ड स्टील के बने होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ऑड लेग कैलिपर को और हम किन नामों से जान सकते हैं? तो पहला तो है एक हर्मोप्रोडाइट कैलिपर, दूसरा नाम है जेनी कैलिपर। इसको दो और नामों से हम जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंच कितने प्रकार के होते हैं और ये किस धातु के बने होते हैं? फ्रेंड, ये भी पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सभी पंच होते हैं हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और मैंने ये टाइप यहाँ पे लिख रखे हैं, ये डॉट पंच, सेंटर पंच, प्रिक पंच, सॉलिड पंच, हॉलो पंच और पिन पंच। दोस्तों इनमें से ऊपर के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पे क्वेश्चन आ चुका है और इस पे क्वेश्चन पूछता कि आगे का इसका पॉइंट एंगल कितना होता है। अगर डॉट पंच की बात करें तो इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी आपका पिछले साल 2017 CITS में आया हुआ क्वेश्चन है। सेंटर पंच की बात करें तो उसका 90 डिग्री होता है पॉइंट एंगल और प्रिक पंच की बात करें तो 30 डिग्री का होता है। आगे चलते हैं। अगर दोस्तों आप फिटर टेस्ट से CITS एग्जाम दे रहे हो तो एक हैमर ऐसा टॉपिक है जिसपे आपको उस पर दो क्वेश्चन मिलेंगे। बात करते हैं सबसे पहला कि हैमर किस धातु का बना होता है। तो जनरली हमारा हैमर कास्ट स्टील का बना होता है या ड्रॉप फोर्ज कार्बन स्टील का बना होता है। दोस्तों ड्रॉप फोर्ज एक प्रोसेस है, एक विधि है जिसके द्वारा हम हैमर को बनाते हैं, तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैमर लिख रखे हैं। पहला है हैंड हैमर, दूसरा स्लेज हैमर, तीसरा सॉफ्ट हैमर और चौथा पावर हैमर। हैंड हैमर की बात करें जिनको हम हाथों से प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स लाइट ड्यूटी वर्क के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे टाइप्स हैं हैंड हैमर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है कि हैंड हैमर का वजन कितना होता है, तो 125 ग्राम या 0.125 किलोग्राम से लेके 1.5 किलोग्राम तक होता है। और ये तीन प्रकार के हैमर होते हैं, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम आज चिपिंग या बेंडिंग ऑपरेशन में कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। इन दोनों हैमर का प्रयोग हम शीट मेटल वर्कशॉप में करते हैं और इन दोनों हैमर का प्रयोग हम लाइट ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं। इनका प्रयोग हम शीट मेटल वर्कशॉप का चैनल बनाने के लिए करते हैं। बात करते हैं स्लेज हैमर की। तो स्लेज हैमर का प्रयोग हम फोर्जिंग वर्कशॉप में करते हैं और इसमें पूछा गया क्वेश्चन क्या आता है फ्रेंड्स कि इसका वेट कितना होता है। इसका वेट 2 kg से लेकर 10 kg तक होता है। सॉफ्ट हैमर की बात करें तो सॉफ्ट वर्क के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये जनरली हमारे हैमर कठोर लकड़ी हार्डवुड के बने होते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर के बने होते हैं। बात करते हैं पावर हैमर, तो पावर हैमर का प्रयोग जनरली हम इंडस्ट्री में करते हैं फोर्जिंग वर्कशॉप पे। जैसे कि हम बात करते
रेलवे के जो व्हील होते हैं, जितने भी हमारे मशीनरी बड़े बड़े पार्ट हैं, उसको फोर्स करने के लिए हम पावर हैमर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने एक वीडियो बनाया था जो जनरली क्वेश्चन पूछा था, और आप विश्वास माने कि आने वाले एग्जाम में इस पूरे पार्ट पे 4 या 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे।